super super yummy. Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी एंड सुपर इजी यम्मी पिज्ज़ा, और इस पर कोई मैदा नहीं यूज़ होगा. बहुत ही इजी होगा, इसको आप नॉर्मली घर पे इजीली बना सकते हो एंड इट्स यम्मी प्लस इट्स वेरी हेल्दी. तो सबसे पहले मैंने लिया है आटा विच इज़ व्हीट फ्लोर, और जितने भी आपने बनाने हैं उस अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले सकते हैं. उसके बाद मैंने ऐड किया पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ शुगर एंड बेकिंग सोडा. उसके बाद जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आपने मिक्स कर देना है. उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा कर्ड ऐड करके इसको गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी अकॉर्डिंग. तो ये मैंने ऐसे गूंदा है, प्लीज़ डोंट जज मी. उसके बाद ये सारी वेजीज़ हैं जो मैं डालने वाली हूँ. आप कोई भी वेजीज़ डाल सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग. एंड जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही इसको भी बनाना है, एंड फोक से इसमें ऐसे करना है सो दैट ये अच्छी तरह बन जाए. उसके बाद आप अपने घर में जो भी नॉन स्टिक नॉर्मल पैन है उसमें से बना सकते हैं. ये मैंने थोड़े से बेस बना लिए थे अपने. उसके बाद मैं इस पे यूज़ करने वाली हूँ पास्ता पिज्ज़ा सॉस. आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हो अपनी विश के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर ऐसे वेजीज़ अपना लगा सकते हो. मैंने इसके ऊपर थोड़ी चीज़ ग्रेट कर दी थी, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हो. फिर मैंने इसे माइक्रोवेव किया फॉर 30 सेकेंड्स, और उसके बाद मैंने एयर फ्राई किया सो दैट ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और मैंने थोड़ा इसके ऊपर ऑरिगेनो भी लगा दिया विच इज़ अ मस्ट फॉर पिज्ज़ा. चलो अब मैं फिर इसको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है. ओ माई गॉड, सुपर सुपर यम्मी. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, एंड इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये पिज्ज़ा रेसिपी अच्छी लगी. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. Thank you for watching my video.